गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो कल हमने पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, हम पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी टाइप से आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ये प्रॉपर्टीज हम जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप नंबर 13, 14, 16, 17, 18 ये ग्रुप होते हैं। 13 ग्रुप के अगर मैं एलिमेंट लिखूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर 14 ग्रुप के लिखूं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट लिखूं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। एंटीमनी नाना पापा आओ सब, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और 17 ग्रुप के हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिनियम। और 18 ग्रुप का होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन, रेडोन। ये वाले एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के। ये मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए जो पी ब्लॉक में आते हैं। ये पी ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये ग्रुप वाले एलिमेंट कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम कैसे पता करते हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करता है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, एस में एंटर करता है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी में एंटर करता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जब मैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आप पी में गए। आप किसी की भी लिख लेना इन एलिमेंट में से, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी में जाएगा। क्यों, तो कह सकते हैं हम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनका अगर मैं जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, देख भाई, NS2NP126 यह है इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेयर N=2 हो सकता है, N=3 हो सकता है, N=4, N=5, etc. क्योंकि एन की जगह आप रख सकते हैं। तो देखो लास्ट में यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ एन है तो यहाँ पे कितना है, एन है। और पी ऑर्बिटल में हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि पी की ऑर्बिटल 3 होती हैं, जिनका नाम होता है PX, PY and PZ। 3 ऑर्बिटल होती हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात पाउलीज ने बताई थी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने पी में लिख दिया 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि पी 3 ऑर्बिटल होती है, तीनों का नाम होता है PX, PY and PZ। डम्बल इनकी शेप होती है, ये आपने दूसरे चैप्टर में जाना। ठीक है,
अब जनरल अगर प्रॉपर्टीज पढ़े पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल थे, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी मिल जाएंगे, एल्युमिनियम क्या है मेटल है, बोरोन क्या है नॉन मेटल है, कार्बन क्या है नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन ये नॉन मेटल है और मेटल भी है इसके अंदर। मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, लिख सकते हैं पहला करेक्टरिस्टिक्स जिसमें जिस प्रकार आपने एस ब्लॉक के लिखे थे, इसका पहला करेक्टरिस्टिक्स या पहली प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। पी ब्लॉक इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, पी ब्लॉक इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। पी ब्लॉक में दोनों पाए जाते हैं, वह मेटल भी पाए जाते हैं और नॉन मेटल भी पाए जाते हैं। जो एस ब्लॉक की आपने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी दूसरी, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, बट इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट दे हैव हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। पी ब्लॉक एलिमेंट हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बताया था कि बाहर वाली सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की ज्यादा है किसे एस ब्लॉक से। दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड मेटल कैसा बनाते थे एस ब्लॉक वाले, जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते थे। जनरली मेटल जो बनाते थे एस ब्लॉक एलिमेंट वो आयनिक कंपाउंड बनाते थे, लेकिन ये कैसा बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या शो करते हैं बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एस ब्लॉक में आपने पढ़ी थी या तो प्लस वन या प्लस टू, लेकिन इनके केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा वेरी करेगी। अगली बात समझ में, और दूसरी बात अगर हमें पता करना हो कोई एलिमेंट दे रखा हो, तो प्रॉपर्टीज हो गई, मान लीजिए एल्यूमिनियम दे रखा है और एक हमें दे रखा है क्लोरीन, पूछ ले कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक में हमने कैसे बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और एस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक होता है तो पहले ग्रुप का है, दो होते हैं तो दूसरे ग्रुप का है। लेकिन पी ब्लॉक में हम कैसे पता करें कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो ध्यान दे बेटा जब भी ऐसा पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसका ग्रुप निकालना हो तो लास्ट वाली जो सेल है, जो तीन वाली जो सेल है, तीसरी जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो और एक
तीन, इस तीन को किसमें जोड़ दें, दस में जोड़ दें भाई, दस में लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। मीन्स पी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप नंबर जानने के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर जानने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं, उसे ग्रुप नंबर आ जाता है। ऐसे ही अगर क्लोरीन का निकालना हो तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 और 2, 7। इस 7 को किसमें जोड़ दें, 10 में जोड़ दें, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है। इस टाइप से आप ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं। पीरियड तो इस एन से पता चल जाएगा, तीसरे पीरियड का है। एन का वैल्यू अगर 2 है, 3 है तो तीसरे पीरियड का 4 है, तो फोर्थ पीरियड का 5 है, तो 6th पीरियड का। मीन्स हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, कल हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स।